इन्हें पत्रकारों के जरिए जांच करवाने के आश्वासन दे दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इसका हम निश्चित रूप से आकलन कराएंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे यहाँ पर, अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। नहीं, और गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीसरे दिन लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को अपनेपन के एहसास से भरोसा भी दिलाया और सबकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। बता दें आपको कि जिन्हें आवास की समस्या है उन्हें सरकारी योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही भू माफिया के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के कार्यक्रम में जुटे और यहां करीब 500 लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिले हैं। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने ही कुर्सियां यहाँ पर बिछाई गई थी, जहां पर बैठाए गए लोगों तक उनकी बात जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके पास पहुंचे। और अभिनेत्री से राजनेता बनी स्मृति ईरानी का सेलिब्रिटी दर्जा आज भी बरकरार है। पिछले दो दिनों से अपने लोकसभा इलाके के रायबरेली जिले में पड़ने वाली सलोन विधानसभा क्षेत्र में इसकी बानगी सामने आई है। यहां फरियादी फरियाद लेकर आई एक महिला भीषण गर्मी में किसी तरह भीड़ को चीरते हुए स्मृति ईरानी तक पहुंच गई। अपनी समस्या भूलकर वो सेल्फी लेने में मशरूफ हो गई। और हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी इन दिनों लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा में लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है। कल यहां पर दो दिवसीय दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने आज डी ब्लॉक में टेकारी दांदू से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया और डी कस्बे पहुंची तो यहां पर बीज भंडार प्रांगण में फरियादी उनका इंतजार करते मिले। स्मृति ईरानी यहां पर न केवल एक एक फरियादी से मिली बल्कि उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए साथ चल रहे अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। ये मेरा सौभाग्य है, आप सब मुझे सतत 2014 से यहाँ देख रहे हैं। मैं 2019 के चुनाव की जीत के बाद विशेषतः कृतज्ञता अपना भाव जो है वो अर्पित करना चाहूँगी योगी सरकार में, जिला प्रशासन में, विशेषतः सलोन में एक एक गांव और ग्राम पंचायत के लोगों के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनते हुए समाधान तक पहुँचाने का प्रयास किया है। शायद ही कभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में यह हुआ हो कि एक सांसद हर ग्राम पंचायत तक, हर बूथ तक खुद पहुंचा हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनेकों बार। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जनता इस उम्मीद के साथ आती भी है, प्रशासन के सभी अधिकारी संग रहते हैं ताकि जनता को मुख्यालय तक पहुँचने। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद की गली में बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी हैं, जिसमें 3 लोगों के गोली लगने की खबर सामने आई है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आए थे। बताया जा रहा है कि जिले की कई टीमें मौके पर आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल, इसे आपसी रंजिश का मामला बताया गया है। और दिल्ली से खबर है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले ने उन विभूतियों को सम्मानित किया है जिन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय काम किए हैं। और भारत की एकता और अखंडता को लेकर कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले ने अपने विचार रखे। पत्रकारों से भी इस बीच उन्होंने बातचीत की है। नागालँडमध्ये आमच्या पक्षाला राज्याची मान्यता मिळालेली आहे, त्यामुळे मी त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे। मी अमित भाईंना एकदा भेटणार आहे, जेपी नड्डांनाही भेटणार आहे आणि देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत बावनकुळे यांच्याशी बोलणार आहे, माननीय एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणार आहे आणि RPIला कोणत्या जागा देणं शक्य आहे त्याच्या संबंधामध्ये सुद्धा मी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे। साधारण कोणत्या जागांवरती तुम्ही शिर्डी आणि जर पाहिलं तर काही जागा राखीव आहे, त्यापैकी कोणत्या जागा साधारण मागणी करा? आता एखादी जागा राखीव आणि एखादी जागा जनरल द्यावी असा माझा प्रयत्न राहणार आहे। त्यासाठी कॅन्डिडेट आम्ही चाचपणी करतो आहोत आणि एकदा आम्हाला जागा देण्याच्या संबंधामधला निर्णय झाला की त्या ठिकाणी एकदा दलित कॅन्डिडेट आणि एक नॉन दलित कॅन्डिडेट अशा पद्धतीचं समीकरण आमच्या समोर आहे। विस्तार पण रखडलेला आहे, सोल्युशन अद्याप एक्सपान्शनवर झालेलं नाही आहे, कुठेतरी विनसलेलं आहे का शिंदेची मागणी आणि भाजपची मागणी?
नाही, बिनसाचा काही विषय नाही आहे. दोघांची जे मंत्री त्यामध्ये होणं अत्यंत आवश्यक आहे. बी जे पीकडे आमदारांची संख्या मोठी आहे, जवळजवळ 112-113 आमदार त्यांच्यासोबत आहेत आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 50 आमदार आहेत त्यांच्या. बुलंद शहर की ओर रुख करेंगे, जहां भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पवन तेवतिया के नेतृत्व में अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया है. इस बीच यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पवन तेवतिया ने और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर कलेक्ट्रेट गेट पर यह प्रदर्शन किया है. इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंप दिया गया है. आपको ये बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पवन तेवतिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किसानों की बिल माफी का ऐलान किया था, मगर आज भी किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं. उनके बिल में कोई माफी नहीं हुई है और महिला पहलवानों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें कुछ लोग जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर मांग की गई है. 1 अप्रैल से ट्यूबवेलों के बिजली के बिल बिल्कुल खत्म कर दिए गए थे, लेकिन आज भी किसानों के घर पे ट्यूबवेलों के बिल आ रहे हैं, जो कि सीधा सीधा किसानों के साथ में एक धोखा है, एक छलावा है. जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा सीना करके पर एक घोषणा करते हैं और उसके बाद में भी वो कार्य नहीं होता है, तो ये बहुत ही शर्मसार चीज़ है. हमें योगी जी से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उनका वादा खिलाफी वाला जो ये काम हुआ है ये बहुत गलत है. दूसरा, जो हमारे देश के धरोहर हैं, हमारे पहलवान जो मेडल लेके आए थे, उन लोगों की सभी ने सराहना की थी. जिस समय पे विदेशों में हमारे तिरंगे को लेकर हमारे पहलवान घूम रहे थे, उस समय हम ही सभी लोग ना तो ये देख रहे थे कि हम जात हैं, ना ये देख रहे थे हम गुजर हैं, हम ठाकुर हैं. सभी अपनी छाती चौड़ी करके गौरवान्वित हो रहे थे. एक मुरादाबाद में निरंतर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. सरकार और प्रशासन लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल साबित हो रहा है. आपको बता दें कि पीड़ितों का कहना है कि हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद पर प्रतिबंध का कानून बना दिया जाए और उस पर मांग पर कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है. दूसरी तरफ आए दिन देश की बेटियां लव जिहाद के दलदल में फंसती जा रही हैं. ताजा मामला है मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र का. गौरतलब है कि लड़का और लड़की दोनों बरामद कर लिए गए हैं. लड़की नाबालिग है और मुकदमा दर्ज हो चुका है. कटघर थाना क्षेत्र में दो अलग अलग समुदाय के लड़कों लड़कियों को बरामद किया गया. क्या पूरा मामला है, क्या इसमें कार्रवाई करी है? इस संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 363/66 ITC का. साथ में क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है तो उसमें पॉक्सो एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है. अभी जो भी उसमें कार्रवाई है उसका कोर्ट में बयान करवाया जा रहा है, मेडिकल करवाया जा रहा है और उसी के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. जो अभियुक्त है उसकी मुरादाबाद महानगर के अंदर निरंतर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. सरकार और प्रशासन लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल हो रही है. हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद पर प्रतिबंध का कानून लगे. आज एक और प्रकरण मुरादाबाद के पीतलबस्ती क्षेत्र कटघर थाने का है. मुरादाबाद जनपद में ताजपुर मावी गांव में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर MBA की तरफ से बुलडोजर चलाया गया है. इसमें अवैध बाउंड्री और प्लॉटिंग करने को लेकर कार्रवाई की गई और अवैध प्लॉटिंग को तोड़ने का कार्य किया गया है. अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार MBA की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. इसी क्रम में मुरादाबाद जनपद के पोस्टो इलाके में ताजपुर मावी पर 4 थानों की पुलिस बल को लेकर NGA पहुंचा. इसी दौरान कार्रवाई की गई और इसके साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है. बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां पर पशु माफिया छोटा उर्फ सोमदत्त की 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है. साथ ही आपको बता दें कि पशु माफिया के द्वारा चोरी की घटना करके सृजित की गई थी ये घटना और उसके बाद 12 लाख की संपत्ति बुलंदशहर DM के आदेश पर अनूपशहर क्षेत्राधिकारी और तहसीलदार के द्वारा पशु माफिया पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है. पशु माफिया छोटा और सोमदत्त का ये बताया जा रहा है पुराने आपराधिक इतिहास से जिसे खंगालने में पुलिस जुटी हुई है. आपको बताते चलें कि बुलंदशहर से मामला सामने आया जहां पर पशु माफिया उसकी संपत्ति को आज कुर्क कर लिया गया है, जैसे कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं. पुलिस यहां पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंची है.
आला अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं और उन्हीं की मौजूदगी में यहां पर दरवाजे पर आप देख सकते हैं दरवाजे को सील कर दिया गया है ताला लगाकर। एक सफेद कपड़ा उस ताले पर लगाया गया और उसके बाद सरकारी मुहर लगा दी गई है और उसके बाद कुर्की की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और पशु माफिया से संबंधित एक मामला बताया जा रहा है जिस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका पूरा आपराधिक जो इतिहास है उसे खंगालने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। और आपको ये बता दें 12 लाख की संपत्ति बताई जा रही है जिसे कुर्क कर लिया गया है और आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। बुलंदशहर की ये घटना है, यहाँ पर पुलिस की तरफ से कुर्की की कार्रवाई की गई है, पशु माफिया जिसके खिलाफ ये कार्रवाई पुलिस करती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी की तलाश भी लगातार जारी है और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के आला अधिकारी और तहसीलदार के साथ साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और ढोल बजाने के साथ कुर्की की कार्रवाई संपन्न हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए इमरान सैफी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। इमरान, इस मामले में क्या कुछ अपडेट आपके पास? आपको बता दूं, ये मामला जो है अनुशहर क्षेत्र के मलकपुर का है जहां एक पशु माफिया छोटा उर्फ सोमदत्त की 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की गई है। तो इमरान, और भी कुछ संपत्तियां बताई जा रही हैं इस जगह के अलावा जिन पर कुर्की की कार्रवाई अब हो सकती है? पुलिस लगातार ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कस रही है और लगातार ऐसे माफियाओं की संपत्ति कुर्की जा रही है। आज पशु माफिया जो कि आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की अंजाम देकर उसने 12 लाख रुपए की संपत्ति इकट्ठी की थी और डीएम के आदेश पर अनुशहर सीओ द्वारा माफिया पर कार्रवाई की गई है जिसकी संपत्ति कुर्की गई है। तो इमरान, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से क्या प्रयास सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल पल्लवी, पुलिस का कहना है कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पुलिस अपराधी के पीछे लगी हुई है और जैसे ही अपराधी हाथ आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल में भेजा जाएगा। इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि इमरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि पुलिस टीम ने कुर्की की कार्रवाई कर दी है और जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल कुर्की की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो चुकी है और आपको बता दें 12 लाख की ये संपत्ति बताई जा रही है जो कि अवैध तरीके से अर्जित की गई थी जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते चलें कि दरवाजे को ताला लगाकर सील कर दिया गया है, सरकारी मुहर उस पर लगा दी गई है और पशु माफिया से संबंधित ये पूरा मामला है जिसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। और मुरादाबाद जनपद से खबर है, जामुंडा पाड़े में थाने पुलिस ने आज उस वक्त पुलिस की असफलता लगी जब अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लूटी गई शराब बरामद कर ली गई है। दरअसल एक शराब की दुकान से कुछ समय पहले ही नकाबबाजी करके करीब 62 पेटी शराब चुरा कर कुछ शातिर चोर फरार हो गए थे। इसमें पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शराब और 6,600 रुपए नकदी चुरा लेने का केस दर्ज कराया जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके यहाँ 20 मई को रोंडा झोंडा चौकी क्षेत्र में एक शराब के ठेके में नकब लगा के और शराब की पेटियाँ चोरी हुई थी, करीब 62 पेटी चोरी हुई थी और 5 पेटियाँ दूसरे ब्रांड की शराब की थी, कुल मिला के करीब 2.5 लाख के आसपास कीमत की शराब थी। इसमें हमारी मुड़ा पांडे पुलिस और सीओ हाईवे के नेतृत्व में इसमें काम किया गया और इसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है और इसमें 3 जो अभियुक्त हैं जिन्होंने ये चोरी की थी उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से 22 पेटी शराब जो चोरी की शराब थी जो ठेके से चोरी हुई थी उसे बरामद किया गया है। इन्होंने जो नकब लगाया था उसका एक जो औजार है सबल वो भी बरामद हुआ है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं वर्षगांठ पर एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है जहां पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के द्वारा कथित और खालिस्तान में समर्थन के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी के आदेश पर किया गया था जिसके तहत भारतीय सेना 1984 में
भिंडरावाले के नेतृत्व वाले आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई थी, जो सिख समुदाय के लिए एक संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की एकता को लेकर प्रस्तावित बैठक में सभी संबंधित दलों के प्रमुखों के शामिल होने पर जोर देते हुए सोमवार को कहा है कि 12 जून को होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है और इसकी अगली तिथि बाद में तय की जाएगी। जदयू के शीर्ष नेता नीतीश ने यहाँ पर एक समारोह के दौरान संवाददाताओं से कहा है कि इस बहुचर्चित बैठक की नई तारीख की घोषणा सभी दलों से विचार विमर्श करने के बाद की जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि हमें 12 जून की बैठक स्थगित करनी पड़ी है क्योंकि कांग्रेस और एक अन्य पार्टी ने मुझे बताया है कि उन्हें तारीख असुविधाजनक लगी। और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और सब पार्टी के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से 30 मई से 20 जून तक के लिए 9 साल बेमिसाल की तर्ज पर जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदर सांसद रवि किशन के साथ संयुक्त रूप से सर्किट हाउस में स्थित एनएक्सी भवन में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की है। उन्होंने बताया है कि जनता के बीच कार्यकर्ता जाकर 9 साल की अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच बताएंगे और आगामी 2024 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। 9 वर्ष की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये 9 वर्ष के भारत के बदलाव के स्वर्णिम काल के वर्ष। आज भारत हर प्रक्षेत्र में एक नए भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। 2014 के पहले का भारत हम सब जानते हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न रोजगार था, न रेल की व्यवस्था थी, न एयरप्लेन की व्यवस्था थी, न ठीक से एयरपोर्ट्स थे, न जीवन था, न सम्मान था। चूँकि मैं विदेशों में भी फिल्मों की शूटिंग करता रहा तो मुझे पता है कि किस तरह से भारतीय लोगों को देखा जाता था 2014 के पहले, और मैंने खुद भी झेला। और उसके बाद वो सम्मान जब वो शौचालय से शुरू हुआ, जो हमारे घर की माँ बहन बेटियों की इज्जत घर जिसको कहते हैं, वहाँ से शुरू हुआ, तो पता चला कि एक ऐसी सोच के प्रधानमंत्री भी आते हैं जो गांव देहात के बारे में सोचे, जो हमारी बहन बेटियों के बारे में सोचे। फिर उनको लगा कि गरीबों को मकान, ये सब झोपड़ी झुग्गी में क्यों रहते हैं, उन्होंने मकान की व्यवस्था शुरू की। फिर उनको लगा कि अब किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि किसान। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे।